तो देखिए दोस्तों, हमारी थाली रेडी हो चुकी है। ये है पराठा, घर का दही है दोस्तों, राम तोरी है। राम तोरी हमने लिए दोस्तों 100 रुपया किलो। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये किलो राम तोरी है। तो चलिए देते हैं राम तोरी खाने के लिए निशु को। मैडम जी उठ जाइए, भोजन कर लीजिए, उठ जाइए भोजन कर लीजिए, उठिए उठिए, ले आ रहे रोटी खावा, उठा उठा छोड़ छोड़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो लाइन मिला, उठ लाइन मिला है। नमक पाए होंगे वो पाई नहीं मैडम जी, नमक देखो जी, रोटी दे ले आ, ले आ रहे रखी थी मैसी। तो दोस्तों आपको नमक भी बताते हैं, नमक भी हमारे घर का ही बना हुआ है, बहुत ही स्पेशल नमक है। और नमक जो है इसके अंदर दोस्तों है पुदीना, कड़ी पत्ता और जीरा, काली मिर्च, लहसुन, पता नहीं क्या है दोस्तों इसके अंदर, बहुत ही स्वादिष्ट नमक होता है घर का बनाया हुआ। और ये हम दही के अंदर डालते हैं। लीजिए मैडम जी आप डालिए। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा परांठा जो है रेडी हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया सुनहरा सुनहरा आया है, सुनहरा तभी आता दोस्तों, परांठे को हमेशा धीमी आंच में बनाइए, तभी सुनहरा परांठा आपको हमेशा के आएगा। देखिए कितना बढ़िया सुनहरा सुनहरा परांठा आया, ये हमारा दूसरा परांठा रेडी हो चुका है। एंड राम तोरी की प्राइस को देख सुन के मुझे लग रहा है जो कि हिमाचली लोग हैं वो काफी ये हुए होंगे कि अरे 100 रुपया किलो की राम तोरी। जी हाँ, क्योंकि हमारे हिमाचल में तो राम तोरी दोस्तों हर दूसरे घर की बेल के ऊपर लगी होती है, और इतनी राम तोरी होती है, इतनी राम तोरी होती है कि खा खा के हिमाचल लोग जो तंग आ जाते हैं। तो देखिए घर पे हम राम तोरी नहीं खाते थे, ये साफ है, ठीक है ठीक है, घर पे हम राम तोरी नहीं खाते थे, लेकिन इधर राम तोरी को देख के जो हमें हिमाचल की याद आ जाती है, हम राम तोरी ले लेते हैं। 100 रुपये किलो हो, 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, राम तोरी को हम बोलते हैं नहीं खानी नहीं खानी नहीं खानी, वही राम तोरी दोस्तों हमको यहाँ पर हिमाचल की याद दिला देती है, और फिर राम तोरी को खरीद लेते हैं। दोस्तों मेरा लगने वाला है तीसरा पराठा, क्योंकि निशु ने एक ही पराठा खाया। शिवू कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहा है बीबू, कहाँ कहाँ की तैयारी कर रहा है बीबू? हाँ डाल दे डाल दे डालो 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 डालो। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ आईवीएस स्टेट अपार्टमेंट से, बहुत ही बढ़िया पार्क है दोस्तों। इधर जो पार्क है बच्चों का वो रेत स्टैंड होता है ना, स्टैंड से बना होता है, और चलिए आपको लेके चलते दिखाते हैं आपको, बहुत बढ़िया। और इसके तो जब मर्जी ले जाओ, रात को दिन को, चलो 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 चलो, वाटर बॉटल ये लो, वाटर बॉटल, हाँ चलो पानी भरते हैं, चलो चलो पानी भरेंगे, चलो ओके चलो चलो है खुल जाओ सिम सिम, खुल जाओ सिम सिम। हाँ जी ओके चलो 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 चलो, ये आ गया बीबी का सैंड प्ले ग्राउंड। अच्छा इधर सिद्धि भी सबसे पहले क्या करेगा, शूज उतारेगा, उतार दे नीचे मैं रख दूंगा। अच्छा ले ले भाई ले, ले लो जी लो, तो जी इधर भी उतार रहा है शूज, चलो जाओ सब भाग जाओ। हाँ जी हाँ जी, हाँ जाओ 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 हैं, करो 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 करो, बैठना बैठना, विभू क्या कर रहा है, विभू क्या बना रहा है,
अभी वो क्या बना रहा है? ये क्या है? वाह नाइस नाइस। तो डिक करो भर दो बकेट। वेरी गुड। हाँ जी चलो ये वेरी गुड। बनाओ। अब कहाँ चला भी वो जुलू। अच्छा चलो बैठो बैठ जाओ। ओके अरे बाप रे लो ये चलो ये। अच्छा चलो ये क्या हुआ? आ जाओ विभू आ जाओ। अरे आ गया विभू। पकड़ो। अगर टाइम स्पेंड करना हो दोस्तों तो मैं और विभू जो है इधर आ जाते हैं। नीचू भी आ शाम के वक्त मैं नीचू और विभू जो है इधर आ जाते हैं और विभू इधर खेलता रहता है पार्क के अंदर और हम इधर बैठे रहते हैं। बैठने के लिए इधर जगह है जहाँ पेड़ है पेड़ के साइड में बनाया हुआ है बैठने के लिए। अभी तो दोपहर को बच्चे कम है शाम को बच्चे बहुत तो नहीं मतलब क्योंकि दो पार्क है इधर तो एक कुछ बच्चे इधर खेलते हैं कुछ बच्चे दूसरे वाले पार्क में खेलते हैं। उस वाले में ग्रीन ग्रास है एंड और भी छोटे छोटे पार्क हैं इधर तो बच्चों को खेलने के लिए बहुत बढ़िया है इधर बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आज बनाई है हमने एग करी। देखिए एग करी की रंगत ये मैंने बनाई है एग करी अपने लिए। जैसे कि आपको पता है निशु की तबीयत ठीक नहीं है तो निशु ने अपने लिए बनाया है खिचड़ू और मैंने अपने लिए बनाई है एग करी। तो दोस्तों ये रहा हमारा यानी कि मेरी एग थाली की स्ट्रक्चर है। देखिए चावल है प्याज है और एग करी है। देखने में बहुत ही लजीज लग रहा है बहुत ही टेस्टी। और ये रहा दूसरी थाली में आप देख रहे होंगे इसमें कोई सब्जी नहीं है ये खा रहा है हमारा विभू क्योंकि सूखे चावल ही खाता है और इसके मम्मी है इन्होंने खिचड़ू खाया है। क्या खाया आपने? इन्होंने खिचड़ी बनाई है इनको इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इन्होंने खिचड़ी बनाई थी। चलिए हम खा लेते हैं दोस्तों एंड चलिए आपको टेस्ट बता ही देता हूँ यार मैं जाते थोड़ा सा अंडे को तोड़ेंगे देखिए और अंडे को ऊपर लगाएंगे दोस्तों सबका सब प्याज ऊपर ऐसे रखेंगे दोस्तों और लेट्स टेस्ट। भाई सच में लाजवाब बना है बहुत ही बढ़िया बहुत टाइम बाद बहुत ही बढ़िया चीज बनी। मैं अंडा करी खा लेता हूँ हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंजॉय बाय बाय। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना शेयर करना और चैनल बाय बाय गाइस।